सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज है 25 दिसंबर, मेरी क्रिसमस एवरीवन। और ऑफ कोर्स आज रिलीज हुआ है पोकेमॉन द मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल। और इस मूवी बहुत ही ऑसम है क्योंकि मैं बहुत सारे रिव्यू देखा, ट्विटर पर भी बहुत सारे ऐसे फैंस है जो पोस्ट किया जा रहा है कि जो लोग इस मूवी को देखा है तो उन सभी का ओपिनियन बहुत ही अच्छा है। उन सभी लोग ने ये ट्वीट किया कि ये जो मूवी था ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी था और इस मूवी पर बहुत कुछ ऐसे हुआ है जो इससे पहले नहीं हुआ है। और ये मूवी बहुत इमोशनल एक मूवी है, आप अगर देखना चाहते हो कि इमोशनल मूवी तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। हालांकि अभी तक पोकेमॉन मूवी ऐसा नहीं होता था कि कोई भी इमोशनल पार्ट उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है कोई पोकेमॉन मूवी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया था। बट अब ये जो मूवी है बहुत ही अच्छा है, अलग लेवल का मूवी है, तो ये मूवी देखकर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट इस मूवी के अंदर बहुत ही एक बहुत ही एक्साइटिंग एक जो कोई भी नहीं आइडिया किया था कि ऐसे कुछ होगा तो वो चीज़ हो चुका है। ऐश ने मेंशन किया है अपना फादर को, यानी ऐश के डैड को, इन पोकेमॉन द मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल में। आप सही सुनेंगे, पोकेमॉन द मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल पर ऐश ने अपना फादर, ऐश के फादर के बारे में मेंशन किया है और वो तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो इस मूवी को आपको देख इस वीडियो को देखना है आपको अंत तक। और पहले आपको मैं बता दूँ कब तक इसका इंग्लिश वर्जन आ जाएगा, तो इसके लिए आपको 2 मंथ तो ज़रूर वेट करना पड़ेगा। 2 मंथ बाद ही, यानी 2 महीने बाद ही हो सकता है कि पोकेमॉन इंग्लिश डब मूवी आ जाए। अब मैं तो श्योर नहीं हूँ कि 2 मंथ बाद आएगा, बट हो सकता है 3 महीने भी लगे। अब वो तो सिर्फ पोकेमॉन डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर है कि कब तक ये डब हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं ऐश कैसे अपने फादर को इस पोकेमॉन द मूवी पर मेंशन किया है। तो ऐश ने मेंशन किया है और हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या बोला है ऐश अपने फादर के बारे में, एंड कैसे बोला है ऐश, किस तरह से बोला, एंड क्या हिस्ट्री था ऐश के फादर के साथ। एंड आपको अगर नहीं पता है तो 1997 के बाद ऐश के फादर के बारे में कोई भी मेंशन पोकेमॉन एनी पर नहीं हुआ था, बट इस बार पोकेमॉन सीक्रेट ऑफ मूवी द सीक्रेट ऑफ द जंगल पर बहुत बढ़िया चीज़ हो चुका है। और ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारे यूट्यूबर ने भी बता चुका है। और उसके साथ ही साथ आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग कि पोकेमॉन द मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल पर ऐश अपने फादर के बारे में मेंशन किया है एंड क्या बोला है, वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ऐश ने कुछ इस तरह का जो अपना मन का बात है वो कोको के सामने लाया था, क्योंकि कोको भी बहुत ज़्यादा टूट गया था जब कोको का जो फादर है, यानी जो पोकेमॉन है, जो मिथिकल पोकेमॉन, वो कोको का एक टाइप का फादर है। तो उसको जब बुरा लोग यानी जब विलेंस उसको स्टोल करके ले जाता है तो कोको भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो ऐश अपना फादर के जो स्टोरी है वो बोलता है, तो क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। तो ऐश बोलता है, मैं जब छोटा था, यानी ऐश जब छोटा था तब ऐश का जो फ्रेंड था, ऐश उस फ्रेंड को बोलता था कि मैं एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनूंगा और पोकेमॉन मास्टर बन के इन दुनिया का सबसे बड़ा एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा। तो तब उसका जो फ्रेंड होता है, यानी ऐश का जो फ्रेंड था, उस फ्रेंड ऐश को बोलता था तुम ये कभी भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई भी एबिलिटी नहीं है कि ये तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओ। तो इसके साथ ही साथ ऐश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था कि ऐश के फ्रेंड भी नहीं चाहता है कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बने। तो ऐश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था और अपसेट होकर ऐश का होम पर लौट आता था। तो तब ऐश के फादर ऐश को बोलता था तुम इतना मायूस मत हो, तुम एक दिन ज़रूर पोकेमॉन मास्टर होंगे एंड उसके साथ ही साथ तुम्हारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहेगा एंड तुम हो सकता है कि अगले 2-3 साल के अंदर एक बहुत बड़े पोकेमॉन ट्रेनर बन जाओ। तो इस तरह से ऐश को सारा देता था और ऐश का जो एटीट्यूड है, ऐश का जो जोश है वो बनाए रखता था। तो ऐश अपना जो स्टोरी था वो कोको के साथ शेयर कर रहा था इन पोकेमॉन सीक्रेट ऑफ द जंगल पर। एंड आपको तो पता है कि पोकेमॉन मूवी द सीक्रेट ऑफ द जंगल बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसके बारे में भी मैं इसके बारे में बात किया था। और जैसे कि इस वीडियो के पहले भी बता कि बहुत सारे मूवी हुआ है पोकेमॉन
का बट इसका ज़्यादा इमोशनल, इसके जैसा इमोशनल मूवी अभी तक पोकेमॉन का एनी पर और पोकेमॉन का मूवी के अंदर नहीं हुआ है। हालांकि पोकेमॉन वन ऑफ द बेस्ट एनिमी है, तो अब आपको पता चल गया कि ऐश के फादर के बारे में। एंड ऑफकोर्स ऐश के फादर के बारे में एक ना एक दिन तो जरूर खुलासा करेगा पोकेमॉन कंपनी। एंड हो सकता है कि पोकेमॉन के अंदर ऐश के फादर का भी इंट्रोड्यूस कर दें, तो देखते हैं क्या होता है। एंड उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा चैनल। तो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाई।